उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के नतीजे कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे। निकाय चुनाव के पहले चरण के दौरान 37 जिलों में 52% तो दूसरे चरण के दौरान 38 जिलों में 53% वोटिंग हुई। यूपी नगर निकाय की कुल 760 सीटों के लिए मतदान हुआ है। इसमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत सीटें हैं, जिसके लिए वोटिंग दो चरणों में 4 मई और 11 मई को संपन्न कराई गई। इस बार यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। पहले चरण में वोटिंग सहारनपुर मंडल, मुरादाबाद, आगरा मंडल, झांसी मंडल, प्रयागराज मंडल, लखनऊ मंडल, देवीपाटन मंडल, गोरखपुर मंडल और वाराणसी मंडल में पूरी हुई। दूसरे चरण की वोटिंग में मेरठ मंडल, बरेली मंडल, अलीगढ़ मंडल, कानपुर मंडल, चित्रकूट मंडल, अयोध्या मंडल, बस्ती मंडल और मिर्जापुर मंडल में वोटिंग संपन्न हुई। बता दें, यूपी में 2017 के नगर निकाय चुनाव के आंकड़े देखें तो बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता है। बीजेपी तब कुल 16 नगर निगम में से 14 में अपने मेयर बनाने में सफल रही थी और 2 मेयर बसपा के बने थे। नगर पालिका अध्यक्ष के नतीजे देखें तो 198 शहरों में से बीजेपी 67, सपा 45, बसपा 28 और निर्दलीय 58 जगह जीते थे। ऐसे ही नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 538 कस्बों में से बीजेपी 100, सपा 83, बसपा 74 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 181 जगह पर जीत दर्ज की थी। बता दें, साल 2017 में 16 नगर सीटों पर चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार 17 नगर निगम सीटों पर चुनाव हुए हैं। न सिर्फ नगर निगम की संख्या बल्कि सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार पूरी तरह से बदले बदले नजर आ रहे हैं।